जी दोस्तों, कंगना रनावत को भाजपा नेता ने दी नसीहत कि संत भिंडरावाले के खिलाफ अनावश्यक टिप्पणी ना करें। लोकसभा सांसद कंगना रनावत ने एक इंटरव्यू के दौरान भिंडरावाले को आतंकवादी कहा था। तो दोस्तों, क्या आपको पता है कौन है संत भिंडरावाले और उन्होंने आतंकवादी क्यों कहा? तो दोस्तों, जानेंगे पूरी बात, आखिर कंगना रनावत ने क्यों कहा था आतंकवादी अपने इंटरव्यू में, और ये आखिर है कौन, और दोस्तों कौन है वो भाजपा के नेता जिन्होंने कंगना को नसीहत दी। जी दोस्तों, बता दूं कि भाजपा के नेता और पूर्व केंद्रीय राज्य मंत्री सोम प्रकाश ने बुधवार को बॉलीवुड एक्ट्रेस कंगना रनावत को सिख समुदाय और खालिस्तानी जरनैल सिंह भिंडरावाले के खिलाफ अनावश्यक टिप्पणी करने से बचने की सलाह दी है। जी दोस्तों, भाजपा नेता ने भिंडरावाले को संत बताया। जी दोस्तों, ये बयान तब आया था जब मंडी से भाजपा की लोकसभा सांसद कंगना रनावत ने एक इंटरव्यू के दौरान भिंडरावाले को आतंकवादी कहा था। जी दोस्तों, बता दूं कि सोम प्रकाश ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर अपनी पोस्ट शेयर की और उसमें लिखा, कंगना रनावत को संत जरनैल सिंह और सिख समुदाय के खिलाफ अनावश्यक टिप्पणियां करने से बचना चाहिए, ऐसी टिप्पणियां सिख समुदाय की भावनाओं को ठेस पहुंचाता है। जी दोस्तों, उन्होंने आगे कहा कि उन्हें अनुशासन में रहना चाहिए और पंजाब में शांति भंग नहीं होने देनी चाहिए। जी दोस्तों, बता दूं कि ये विवाद कंगना रनावत के आने वाली फिल्म एमरजेंसी के संदर्भ में शुरू हुआ था, जब दोस्तों कंगना रनावत ने कहा था कि 99% लोग नहीं मानते कि जरनैल सिंह भिंडरावाले एक संत था। जी दोस्तों, उन्होंने भिंडरावाले को आतंकवादी बताया था, उन्होंने भिंडरावाले को आतंकवादी बताया और कहा, अगर वह आतंकवादी है तो मेरी फिल्म को रिलीज करने की अनुमति देनी चाहिए। और दोस्तों, भाजपा नेता कहते हैं इंडियन एक्सप्रेस से बात करते हुए सोम प्रकाश ने कहा, मैंने सिर्फ ये कहा है कि किसी को भी राज्य की शांति और सद्भावनाओं को आहत करने की अनुमति नहीं देनी चाहिए। जो कंगना रनावत कर रही है वो सही नहीं है और बीजेपी पार्टी पहले ही उनके बयान से खुद को अलग कर चुकी है। जी दोस्तों, कुछ टाइम पहले ही कंगना के बयान को लेकर बीजेपी पार्टी ने अपने हाथ खड़े कर दिए थे। जी दोस्तों, कहने का मतलब है कि उन्होंने उनके बयान को लेकर ये कह दिया था कि वो भैया पार्टी का बयान नहीं है, वो उनकी अपनी सोच है, वो उनका अपना पर्सनल बयान है, बीजेपी पार्टी उनके बयान के साथ नहीं है, ना उन्हें अनुमति है कंगना रनावत को कि वो पार्टी की तरफ से कुछ ऐसा बयान दे। और दोस्तों, बता दूं कि इससे पहले कंगना रनावत की इमरजेंसी को लेकर जगमोहन सिंह राजू ने अपील की थी कि कंगना रनावत की फिल्म इमरजेंसी में ऐसा कोई भी कंटेंट ना हो जो सिख भावनाओं को आहत करे, और उन्होंने सेंसर बोर्ड को भी सतर्क रहने की सलाह दी थी, CBFC को। तो दोस्तों, क्वेश्चन तो यह है, अगर आपको नहीं पता कौन था जरनैल सिंह भिंडरावाले, जी दोस्तों बता दूं कि जरनैल सिंह भिंडरावाले एक सिख धार्मिक नेता और खालिस्तान आंदोलन के प्रमुख चेहरों में से एक था, और उसका जन्म 1947 मतलब 1947 में पंजाब के रोड़े गांव में हुआ था, और 1970 के दशक के अंत और 1980 के दशक की शुरुआत में भिंडरावाले ने पंजाब में खालिस्तान यानी सिखों के लिए एक अलग राष्ट्र की मांग का समर्थन किया था। और दोस्तों, कहा जाता है उसकी गतिविधियां समय के साथ हिंसक रूप लेती गई, और दोस्तों कहा जाता है कि वो भारतीय राज्य के खिलाफ सशस्त्र संघर्ष का प्रतीक बन गया और उसके नेतृत्व में पंजाब में हिंसा और अस्थिरता फैलाई गई। और दोस्तों, 1984 में 1984 में भिंडरावाले और उसके समर्थकों ने अमृतसर के स्वर्ण मंदिर में शरण ले ली। और दोस्तों, बता दूं कि भारतीय सेना ने इस स्थिति को नियंत्रित करने के लिए ऑपरेशन ब्लू स्टार चलाया, जिसके तहत स्वर्ण मंदिर में घुसे आतंकवादियों को बाहर निकाला गया, और दोस्तों इस ऑपरेशन में भिंडरावाले की मौत हो गई। और दोस्तों, बता दूं कि भिंडरावाले को उसके समर्थक एक धार्मिक नेता और शहीद के रूप में देखते हैं, और कंगना रनावत की फिल्म इमरजेंसी में कहीं ये चीज तो नहीं है, इसको लेकर बहुत सारे क्वेश्चन उठे हैं दोस्तों, बहुत सारी अपील हुई है इमरजेंसी फिल्म को लेकर। जी दोस्तों, अब तो फिल्म का एक्साइटिंग लेवल बढ़ता जा रहा है। तो दोस्तों, आपका क्या मानना है फिल्म को लेकर, इमरजेंसी को लेकर और कंगना रनावत को लेकर? अपनी राय कमेंट बताइए, और ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट के लिए जुड़े रहें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें, शेयर कर लें, कमेंट कर लें। जय हिंद, जय भारत।